हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऐसे को, माय हॉबी, मेरी जो हॉबी है उस ऐसे को लाइन बाय लाइन हिंदी से करेंगे। इसके बाद आप रटना भूल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो जो हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये ऐसे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है आपका प्रस्तावना। अ हॉबी इज समथिंग दैट वी डू फॉर अवर प्लेजर। जो हॉबी फिर से इससे बना हुआ है समथिंग, कुछ ऐसा है जो वी डू फॉर अवर प्लेजर, जो हम क्या करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनेट काम करते हैं, हमारे आनंद के लिए करते हैं। इट मेक्स अवर माइंड फ्रेश, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनेट मेक्स लगा हुआ है। यह हमारे मस्तिष्क को क्या कर देता है, ताज़ा कर देता है। एंड फिल्स अस विद अ न्यू इंटरेस्ट इन लाइफ, और हमें हमारे जीवन में एक नए रोमांच या इंटरेस्ट से भर देता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अ हॉबी इज समथिंग दैट वी डू फॉर अवर प्लेजर। जो है अभी है वो हॉबी वह है जो हम हमारे प्लेजर के लिए करते हैं। ये हमारे मस्तिष्क को ताज़ा कर देता है साथ ही साथ, और ये हमारे जीवन में एक नई रुचियों को भर देता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी काइंड्स ऑफ हॉबी। जो हॉबी के प्रकार हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबी, अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबियाँ होती हैं। यहाँ हैव का मतलब रुचि होना, पास होना। सम टेक इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, कुछ लोग जो हैं किसमें काम करते हैं, किताबों को पढ़ने में रुचि लेते हैं। फिर से डेफिनेट। सम टेक टू गार्डनिंग, कुछ लोग जो हैं बागवानी में इंटरेस्ट लेते हैं, राइटिंग लिखने में, सिंगिंग पेंटिंग गाने में, चित्रकारी करने में। एंड सम टेक टू स्टाम्प कलेक्टिंग, और कुछ लोग जो हैं स्टाम्प्स जो हैं उनको कलेक्ट करने में रुचि दिखाते हैं। थर्ड ऐप का माई हॉबी, मेरी हॉबी क्या है। तो माई हॉबी इज स्टाम्प कलेक्टिंग, मेरी हॉबी जो है वो स्टाम्प को कलेक्ट करना है। माई अंकल गेव मी अ स्टाम्प एल्बम ऑन माई 10th बर्थडे। ये जो है पास्ट का इंडेफिनेट है, कोई काम हुआ था, है ना। मेरे अंकल ने मुझे एक स्टाम्प एल्बम मेरे 10वें जन्मदिन पर दिया था। सिंस देन, और तब से ही स्टाम्प कलेक्शन हैज बिकम माई हॉबी, और तब से ही जो स्टाम्प कलेक्शन है वो मेरी हॉबी जो है बन चुकी है। फिर से प्रेजेंट का परफेक्ट, एट प्रेजेंट और वर्तमान में। आई हैव वंडरफुल स्टाम्प्स इन इट, मेरे पास रोचक या अद्भुत स्टाम्प्स हैं। सम ऑफ देम आर ऑफ अदर कंट्रीज, और कुछ जो हैं उनमें से जो कुछ हैं वो दूसरे देशों के हैं। दीज स्टाम्प्स आर डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइन, ये जो स्टाम्प्स हैं वो अलग अलग रंगों की और डिजाइन्स की हैं। आई एम फिल्ड विद अ ग्रेट जॉय एज आई लुक एट दीज स्टाम्प्स, और जब भी मैं क्या होता हूँ, मैं एक विशेष आनंद से भर जाता हूँ जब भी मैं इन स्टाम्प्स को देखता हूँ। ये थी हमारी माई हॉबी। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट है द कंक्लूजन ऑप्शन हार इसका, स्टाम्प कलेक्टिंग इज एन इंटरनेशनल हॉबी। स्टाम्प कलेक्टिंग है वो एक अंतर्राष्ट्रीय हॉबी भी है। देर आर स्टाम्प कलेक्टिंग सोसाइटी, कई स्टाम्प कलेक्टिंग की सोसाइटी भी बनी हुई हैं। अ नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन रिटेन ऑन इट, और बहुत सारी या असंख्य किताबें जो हैं वो स्टाम्प कलेक्टिंग के ऊपर लिखी जा चुकी हैं। ये पैसिव वॉइस में है। I feel proud of my hobby, मुझे मेरी हॉबी पर प्राउड फील होता है। It gives me pleasure as well as profit, ये मुझे आनंद के साथ साथ लाभ भी देती है। तो ये था हमारा ऐसे, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।